नमस्ते दोस्तों, मैं हूं श्याम शर्मा, प्रोफेशनल योगा टीचर, और आप सबका स्वागत करता हूं जीवन योगा शुरू के एक और फ्रेश शुरू में। दोस्तों, आप में से काफ़ी सारे लोग होंगे जो त्रिविक्रम आसन यानी कि स्टैंडिंग स्प्लिट आसन को सीखना चाहते होंगे। इस आसन को अगर आप अभ्यास करते हैं और नहीं कर पाते हैं, इसके पीछे की वजह हो सकती है आपकी हिप्स की टाइटनेस। अगर आप अपनी हिप ओपनिंग करना चाहते हैं और प्रॉपरली सीखना चाहते हैं किस तरीके से आप अपनी हिप ओपनिंग करें और इस आसन को आसानी से सीख लें, तो इस वीडियो को आपने ध्यान से वॉच कर दें। और अगर आप हमारे जीवन योगा चैनल पर नए हैं तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें और रिंग करिए बेल आइकन को, ताकि इसी प्रकार के इंफॉर्मेटिव वीडियो आसानी से आप तक पहुंचते रहे। और हाँ, अगर आप चाहते हैं मेरे साथ डायरेक्ट ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करना और सीखना, अपने आप को भी बेहतर तरीके से फ्लेक्सिबल बनाना, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनका सपना था बहुत सारे एडवांस आसन सीखना या फिर बेसिक आसन को भी प्रॉपर तरीके से सीखना, तो एनाटॉमी के साथ और प्रॉपर टेक्निक्स के साथ जो उनको रिजल्ट मिला है वो काफ़ी अच्छा है, आप भी देख सकते हैं। अगर आप भी चाहते हैं मेरे साथ ऑनलाइन घर बैठकर सीखना, तो मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर और स्क्रीन पर अपनी ईमेल आईडी प्रोवाइड कर दी है, आप मुझे जाकर कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। तो चलिए फिर आज की इस बेहतरीन वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप त्रिविक्रम आसन का अभ्यास करेंगे तो काफी सारे ऐसे हेल्थ बेनिफिट आपको मिलने वाले हैं, जैसे कि अगर आपकी हिप्स टाइट रहती है, आपको लगता है कि आप जो भी वॉक मूवमेंट रनिंग एक्सरसाइज करते हैं तो आपके हिप्स आपको सपोर्ट नहीं करते, यानी कि आपको पेन होने लग जाता है, तो हिप बोन का पेन या फिर हिप मसल्स में जो टाइटनेस है वो तो आपकी कम होने वाली है। साथ में अगर आप लोग का अलाइनमेंट यानी कि हिप्स का या फिर आपका पूरा बॉडी का मैनेज रहता है तो वो भी आप इस आसन के माध्यम से कर सकते हैं। सही, अब बात करते हैं इस आसन का अभ्यास करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो ये आसन करने के लिए आपकी जो एनाटॉमी है उसको आपने समझना होगा। काफ़ी लोग डायरेक्टली अपने आसन को करते हैं और वो अपनी मसल्स पर फोकस नहीं करते हैं, लेकिन आप लोग ये गलती नहीं करेंगे। आपने अपनी हैमस्ट्रिंग मसल, अपने हिप फ्लेक्सर्स, ग्लूटस मैक्सिमस, मीडियस मिनिमस या फिर एरेक्टर्स मसल्स, इन सबको प्रॉपरली स्ट्रेच कर रहे हैं, और वो कौन सी ऐसी टेक्निक है जिसका अभ्यास करके आप इनिशियली यानी कि शुरुआत के कुछ समय तक अपने आप को उस तरीके से अभ्यास करने के लिए तैयार करेंगे जिससे आपका यह आसन प्रॉपरली मेरी तरह हो पाए। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कौन सी ऐसी टेक्निक्स है जिनका अभ्यास आपने करना चाहिए। सो दोस्तों, आप में से काफी सारे लोगों का जो अभ्यास है त्रिविक्रम आसन का यानी कि स्टैंडिंग स्प्लिट का, तो उसमें जो आपकी मिस्टेक्स है या फिर जब आप स्टार्ट करते हैं कौन सी प्रॉब्लम्स आती है। जब आप अपनी बॉडी को लिफ्ट करना चाहते होंगे यानी कि अपने लेग्स को ऊपर ले जाते हैं और आपका जो हील है, काफ़ी लोग का बस इतना ही ऊपर आ पाता होगा और उसके ऊपर वो इस तरीके से पैर ऊपर आता भी होगा तो बस यहाँ पर रहता होगा, और जब वो ये वाला हाथ ऊपर ले जाते होंगे तो उनका हाथ इस तरीके से टच भी नहीं हो रहा होगा। तो ये तीन चार प्रॉब्लम तो आएंगी, क्योंकि जो आपकी हिप्स है वो बहुत टाइट है और हिप ओपनिंग नहीं होने की वजह से ये आसन नहीं होता। अगर मैं आपको एकदम प्रॉपर तरीके से करके दिखाऊं तो चलिए आपको दिखाते हैं। इस तरीके से सबसे पहले तो लंबी गहरी सांस लेनी है, आई हैव टू टेक लॉन्ग डीप ब्रेथ इन हील, फिर अपनी हील को होल्ड करना है और स्लोली आई हैव टू लिफ्ट माय लेग्स। पूरा फोकस मेरा एक पॉइंट पर रहने वाला है। और धीरे से रिलैक्स। तो अगर आप भी चाहते हैं मेरी तरह इस आसन को करना, तो ज़रूर मुझे इस वीडियो के माध्यम से फॉलो करना और घर पे रूटीन को प्रैक्टिस करना। वो लोग जरूर ना करें जिनके हिप्स में कोई पेन या इंजरी है अभी, या फिर कोई ऑपरेशन हुआ है बोन का, तो आपने नहीं करना है। तो दोस्तों, जैसे कि आपको मालूम है आपका पाँव ऊपर हवा में नहीं जाता है, तो वो इससे नहीं जाता क्योंकि आपकी हैमस्ट्रिंग मसल बहुत टाइट होती है। तो आपने अपना एक चेयर लेना है, एक पैर को ऊपर ले जाना है इस तरीके से, टो ऊपर रहेगा, हील नीचे रहेगा, दोनों हाथ ऊपर ले जाएंगे, फिर सांस छोड़ते हुए नीचे आना है। इन्हेल अप, एक्सहेल आउट। प्रॉपर आपने अपनी हैमस्ट्रिंग को स्ट्रेच करना है और चेयर को अच्छे से फिक्स कर लेना है। फिर उसके बाद आपने दूसरे पाँव से करना है, ये कम से कम आपने 60 सेकेंड्स तक आपने करना है, यानी कि एक मिनट पूरा प्रॉपर करते रहना है, अपनी हैमस्ट्रिंग को प्रॉपर स्ट्रेच करना है और धीरे से आपने ट्राई करना है। अगर आपके हाथ ऊपर नहीं जा पाते चेयर पर, तो आप ऐसे भी रख के प्रैक्टिस कर सकते हैं घर पर, या फिर आप अपनी चेयर को फिक्स करने के बाद अपने हाथों को साइड में रख सकते हैं। फिर रिलैक्स करना है, रिलैक्स आप इस तरीके से करेंगे अपनी हील को लिफ्ट करके हुए। सो फिर से आपने चेयर के ऊपर अपना एक पैर इस तरीके से रखना है और अपनी हैमस्ट्रिंग को स्ट्रेच करना है। काफ़ी इफेक्टिव टेक्निक है आपके लिए, आप इसको जरूर प्रैक्टिस करेगा। आपने इस तरीके से फॉरवर्ड बेंड करना है, राइट और लेफ्ट दोनों हाइट को साइड में होल्ड करोगे, इन्हें आप एक्सहेल डाउन, सांस छोड़ोगे, सांस लोगे, इस तरीके से आपने स्ट्रेच करना है अपनी हैमस्ट्रिंग को प्रॉपरली। ये भी आपने कम से कम 30 टाइम्स करना है, एक साइड से, फिर दूसरी साइड से भी आपने 30 टाइम्स इस तरीके से, देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, दोनों साइड में रखो, स्ट्रेचिंग कर। वन
फिर धीरे से अपने वापस आ जाना है। सो अब आपने क्या करना है, अपना चेयर लेना है और चेयर के ऊपर अपना एक इस तरीके से पैर रखेंगे और अपने हील को ऊपर रखने के बाद आपने फॉरवर्ड बेंड करना है और राइट और लेफ्ट दोनों लेग्स को होल्ड करना है चेयर के, फिर एक्सेल डाउन इन्हें अप। आप इस तरीके से फॉरवर्ड बेंड करेंगे और अपनी हैमस्ट्रिंग को स्ट्रेच करेंगे, कम से कम 30 टाइम्स करना है अपने दोनों साइड से करना है, पहले एक तरफ से फिर दूसरी तरफ से आप करेंगे, फिर आपने दूसरी साइड से करना है, एक पैर ऊपर रखा इस तरीके से और दोनों हाथ नीचे ले गए और स्ट्रेच। फिर रिलैक्स करेंगे और वापस आ जाएंगे। सो दोस्तों ये जो तीन टेक्निक आपने देखी ये आपकी हैमस्ट्रिंग मसल्स को फ्लेक्सिबल करती हैं, तो आपने प्रॉपरली स्ट्रेच करना है। सो दोस्तों अब आपने करना कि अपने इलेक्टरसॉस मेजर माइनर मसल को स्ट्रेच करना है, तो आप अपने एक राइट लेग को इस तरीके से ऊपर लाएंगे और फिर अपने दोनों हाथों को साइड में इस तरीके से हैंडल को होल्ड करना है और आपका जो नीचे वाला पैर का नहीं है उसको प्रॉपरली प्लेस कर देंगे, फिर अपने इलेक्टरसॉस मेजर मसल को आगे इस तरीके से कमर को आगे ले जाके स्ट्रेच करेंगे इस तरीके से। आपने कम से कम 30 टाइम्स करना है, स्टार्टिंग आपने स्लो करनी है, फिर धीरे धीरे आप अपनी स्पीड बढ़ाएंगे और स्ट्रेच करते जाएंगे, आराम आराम से करना है, पहले एक साइड से फिर आपने दूसरा पैर भी ऊपर लाना है और प्रॉपरली अपने स्ट्रेचिंग करनी है। बहुत अच्छे से स्ट्रेच आपको आने वाला है और स्ट्रेचिंग होने से काफ़ी आपको मेहनत करने से रिजल्ट मिलेगा। फिर रिलैक्स करने के लिए आप खड़े हो जाएंगे। सो दोस्तों अब आपको बता दूं आपके हिप्स के एक और मसल है यानी कि ग्लूटस मैक्सिमस मीडियस और मिनिमस, इसको भी स्ट्रेच करना होगा। आपका जो हिप बोन का सॉकेट है उसको प्रॉपर अपने जॉइंट को फ्लेक्सिबल बनाने के लिए एक टेक्निक है उसको ट्राई करना है, आपका त्रिविक्रम आसन काफ़ी ईजी हो जाएगा इस एक्सरसाइज को करने के बाद। तो चलिए देखते हैं कौन सी ऐसी एक्सरसाइज है जिसका अभ्यास आप प्रतिदिन करने वाले हैं। सो दोस्तों एक और बेहतरीन टेक्निक है जिसका यूज़ आपने करना है अपने हिप्स की मसल्स की ओपनिंग करने के लिए, आपके पास एक चेयर होनी चाहिए इस तरीके से प्लास्टिक या फिर वुडन की, फिर आपने अपना एक पाँव ऊपर रखा और फिर दूसरा पैर ऊपर रखा इस तरीके से और बटेक को आगे लेके जाएंगे, लंबे गहरी सांस लेना है, राइट और लेफ्ट दोनों साइड में आपने अपने हाथों से लेग्स को होल्ड करना है, फिर अपनी स्पाइन को स्ट्रेट करेंगे, एक्सेल डाउन इन्हेल अप, आपने इस तरीके से प्रॉपर पंपिंग करना है और सर को पूरा अंदर तक लेके जाएंगे और स्ट्रेचिंग करेंगे। आपको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेच आएगा आपकी ग्लूटस मैक्सिमस मीडियस और मिनिमस में, अगर आपका नी ऊपर रहेगा तो आपको स्ट्रेच नहीं आएगा, तो नी को डाउन करना है और प्रॉपरली आपने स्ट्रेच करना है। मेरे काफ़ी सारे ऑनलाइन क्लासेस स्टूडेंट करते हैं तो उनको गलतियां वो भी करते हैं, तो आपको बता रहा हूँ आपने अपने नी को डाउन करके रखना है, ऊपर नहीं रखना है ताकि आपको प्रॉपर स्ट्रेच आए। स्पाइन में पेन हो सकता है अगर स्पाइन को आप सीधा नहीं रखेंगे, तो बैक को राउंड करेंगे तो पेन आएगा, स्पाइन स्ट्रेट करके फिर सर को अंदर लेकर फिर रिलैक्स करने अपने बटरफ्लाई एक्सरसाइज करनी है। सो दोस्तों सबसे पहले तो आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि काफ़ी लोग अपनी हिप ओपनिंग कर रहे होंगे और उनका लेग स्ट्रेट नहीं हो रहा होगा, लेकिन अगर आपका लेग स्ट्रेट हो जाए उसके लिए आपको एक टेक्निक ट्राई करनी चाहिए, जैसे कि आपके वो दिख रहा होगा मेरे हाथ में बेल्ट है, इसे योगा बेल्ट बोलते हैं, योगा स्ट्रैप भी बोलते हैं, आप लोग कोई भी रस्सी यूज़ कर सकते हैं जो आपके घर में अवेलेबल हो या फिर इसको ऑर्डर भी कर सकते हैं। अब पहली बात आपने करना क्या, देखिए मैं आपको बता दूँ, आपने अपने एक बेल्ट का जो एंड होगा उसको इस तरीके से आपने थोड़ा स्पेस देकर निकालना है और फिर अपनी टो को इस तरीके से आपने बांध देना है। अब इस तरीके से बांधने के बाद आपको अपनी वॉल के करीब जाना है और अपना एक पाँव अपनी वॉल के ऊपर इस तरीके से रख देना है। अब लंबी गहरी सांस लेंगे और अपनी बेल्ट को दूसरे हाथ से, ये मेरा राइट लेग है और ये मेरा लेफ्ट हैंड है, मैंने अच्छे से इसको बांध दिया है अपनी बेल्ट को, फिर राइट हैंड को मैंने इस तरीके से अंदर निकालना है अपनी पैर के अंदर से और फिर इस बेल्ट को अच्छे से होल्ड करके अपने इस पैर को सीधा करना है जो कि आपको दिख रहा होगा। तो इससे क्या होगा, आपका जो पाँव सीधा नहीं हो रहा था, ज़्यादा खींच नहीं रहा था, वो होने लगेगा और इस टेक्निक का अभ्यास करने से आपको ये बेनिफिट होगा। लेकिन ये टेक्निक तब ट्राई करनी है जब आप अपनी सारी मसल्स को लूज़ करें, अगर आप पहली बार करेंगे तो आपको कोई बेनिफिट नहीं होगा, क्योंकि इसको करने के लिए फिर आपके पास बहुत ज़्यादा ताकत आपको लगानी पड़ेगी और आपका पैर में काफ़ी ज़्यादातर पेन भी होगा। तो बिना पेन के अगर आपने करना है तो सारी मसल्स पे स्ट्रेचिंग करनी है जो कि मैंने आपको पहले बता रखी है। सो आज की इस वीडियो के माध्यम से आप अपने प्रॉपर त्रिविक्रम आसन को सीखने के लिए सभी स्टेप्स को, अपने जानकारी को प्राप्त कर लिया है। अगर ये वीडियो और ये जानकारी आपको अच्छी लगती है तो ज़रूर इस चैनल को, इस वीडियो को फॉलो करिए
और लाइक करिए, और साथ में अगर आप चाहते हैं हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना तो जरूर कर सकते हैं जीवन का शुरू को। और अगर आप में से काफी लोग का सपना है कि वो एक टीचर बने इंटरनेशनल लेवल पे और लोगों को सिखाए, हमारे ऑनलाइन टीचर ट्रेनिंग कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको प्रॉपर योगा एनाटॉमी, योगा फिलॉसफी, प्लस आपको टेक्निक्स और किस तरीके से अपने स्टूडेंट को गाइड करना है, सिखाना है, वो सब आपको गाइडेंस मिलने वाली है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। नमस्ते।